Station. Unit 3, Animal Life, Chapter 5, Food and Shelter of Animals. Learning objectives. Food for animals. Shelter of animals. Like humans, animals too need food to live and grow. They eat different types of food. Shelter keeps them safe. मनुष्यों की तरह जानवरों को भी जीने और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. वे विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं. शेल्टर उन्हें सुरक्षित रखता है. फूड फॉर एनिमल्स. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स. दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स. फॉर एग्जाम्पल, काउ, गोट, हॉर्स, रैबिट, etc. Elephants love to eat sugarcane. Plant eaters animals. कुछ जानवर केवल पौधे खाते हैं. उन्हें पौधे खाने वाले animals कहा जाता है. उदाहरण के लिए गाय, बकरी, घोड़ा, खरगोश आदि. हाथी गन्ना खाना पसंद करते हैं. Some animals like hens, pigeons, mice, and squirrels eat grains. Squirrels love to eat nuts. मुर्गी, कबूतर, चूहा और गिलहरी जैसे कुछ जानवर अनाज खाते हैं. गिलहरी को नट्स खाना पसंद है. Do you know? A frog catches insects with its sticky tongue. क्या आप जानते हैं? मेंढक अपनी चिपचिपी जीभ से कीड़ों को पकड़ता है. Some animals eat insects. कुछ जानवर कीड़े खाते हैं. Spider, frog, lizard. These are some insect-eating animals. Some is insect-eating animals, makdi, mendak, chipkali. ये कुछ कीट पक्षी जानवर है. Animals like lions, tigers and foxes eat the flesh of other animals. शेर, बाघ और लोमड़ी जैसे जानवर अन्य जानवरों का मांस खाते हैं. लायन, टाइगर, फॉक्स, दीज आर सम फ्लेश ईटिंग एनिमल्स. ये कुछ मांस खाने वाले जानवर हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. कुछ जानवर पौधे और छोटे जानवर दोनों खाते हैं. बेयर, डॉग, क्रो. सम इज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स. कुछ ऐसे जानवर हैं जो पौधे और छोटे जानवर दोनों खाते हैं. शेल्टर ऑफ एनिमल्स. Animals also need shelter to stay safe from heat, cold, and rain. It also protects them and their babies from enemies. Different animals live in different types of homes. Some animals live in rock caves. A lion lives in a den. Some animals live in shelters that are dug in the ground. A rabbit lives in a burrow.
snakes and rats live in holes. कुछ जानवर जमीन में खोदे गए बिल में रहते हैं, खरगोश परों में रहता है, सांप और चूहे बिलों में रहते हैं। एनिमल्स एंड होम्स, चलो कुछ एनिमल्स और उनके होम कैसे होते हैं देखेंगे। लायंस लिव इन रॉक केव्स, लायन के होम को डेन कहते हैं। कुछ एनिमल्स जमीन में खोदे गए बिल में रहते हैं, रैबिट के होम को बरो कहते हैं। सांप के बिल को होल्स कहते हैं। चूहे के बिल को भी होल्स ही कहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल्स, मंकीज एंड बर्ड्स लाइक आउल्स, वुडपेकर्स, पैरट्स एक्सेट्रा। कुछ जानवर पेड़ों पर रहते हैं, हम पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स के कुछ पिक्चर देखते हैं। मंकी, वुडपेकर, आउल, स्क्विरल, ये कुछ पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स हैं। Some animals build their own shelters. कुछ जानवर अपना आश्रय खुद बनाते हैं। Honeybees make a beehive. मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं। Spider makes a web. मकड़ी जाल बनाती है। Birds make nests. पक्षी घोंसले बनाते हैं। Do you know, the cuckoo, yane koyal, does not make its own nest. It lays eggs in the nests of other birds. क्या आप जानते हैं? कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। यह दूसरे पक्षियों के घोंसलों में अंडे देती है। We build shelters for some animals. That are useful to us. हम कुछ ऐसे जानवरों के लिए आश्रय बनाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। A cow is kept in a shed. गाय को शेड में रखा जाता है। A horse is kept in a stable. घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। A dog is kept in a kennel. Hens are kept in a coop. मुर्गियों को एक पिंजरे में रखा जाता है। New words. Shelter, a place that protects from danger and bad weather. आश्रय, वह स्थान जो खतरे और खराब मौसम से बचाता है। बरो, a hole in which an animal lives pill. वह छेद जिसमें जानवर रहता है। Cop, shelter made for hens.
कॉप मुर्गियों के लिए बनाया गया आश्रय प्लांट ईटर्स, एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड ग्रीन प्लांट्स, पौधे खाने वाले, घास और हरे पौधे खाने वाले जानवर, फ्लेश ईटर्स, एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले जानवर, लेट्स रिवाइज, ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, सभी जानवरों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, सम ईट ग्रेन्स, सम ईट इंसेक्ट्स एंड सम ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ जानवर पौधे खाते हैं, कुछ अनाज खाते हैं, कुछ कीड़े खाते हैं और कुछ अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। एनिमल्स नीड शेल्टर, जानवरों को आश्रय की आवश्यकता होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स, विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1-- लाइव इन वॉटर, कौन पानी में रहते हैं। ऑप्शन आर ए फिश, बी लायंस, सी बीज। हमको तो मालूम है पानी में कौन रहता है, फिश पानी में रहते हैं, तो हम ऑप्शन ए फिश के सामने वाले बॉक्स में टिक करेंगे। टू, ए रैबिट मेक्स अ खरगोश क्या बनाता है। ऑप्शन आर ए नेस्ट, बी बरो, सी हाइव। खरगोश तो बरों में रहते हैं, जमीन के नीचे बिल होता है उसमें, तो हम ऑप्शन बी बरों के सामने वाले बॉक्स में टिक करेंगे। थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ प्लांट ईटर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पौधा खाने वाला है। ऑप्शंस आर ए लायन, बी गोट, सी डॉग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गोट, तो हम गोट के सामने वाले बॉक्स में टिक करेंगे। फोर, ए पिजन ईट्स कबूतर क्या खाता है। ऑप्शंस आर इंसेक्ट्स, बी वर्म्स, सी ग्रेन्स। कबूतर तो हमने देखे हैं, कबूतर तो ग्रेन्स खाते हैं, तो हम ऑप्शन सी ग्रेन्स के सामने वाले बॉक्स में टिक करेंगे। फाइव, अ हॉर्स लिव्स इन अ हॉर्स कहां रहता है। ऑप्शंस आर ए स्टेबल, बी शेड, सी देन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्टेबल, तो हम स्टेबल के सामने वाले बॉक्स में टिक करेंगे। B, fill in the blanks with the correct options. Shelter, grow, cow, heat, cold and burrow. ऊपर के लाइन में कुछ हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, उन्हीं ऑप्शंस को यूज करके हमें ये सॉल्व करना है। 1, a-- eats plants. The correct answer is काउ, तो हम यहां पे काउ लिखेंगे। टू, शेल्टर्स कीप एनिमल्स सेफ फ्रॉम --.
द करेक्ट आंसर इज हीट एंड कोल्ड. तो हम यहां पे हीट एंड कोल्ड लिखेंगे. थ्री, ए रैबिट लिव्स इन अ डैश डैश. द करेक्ट आंसर इज बरो. तो हम यहां पे बरो लिखेंगे. फोर, एनिमल्स नीड डैश डैश टू बी सेफ. द करेक्ट आंसर इज शेल्टर. तो हम यहां पे शेल्टर लिखेंगे. फाइव, एनिमल्स नीड फूड टू डैश डैश. द करेक्ट आंसर इज ग्रो. तो हम यहां पे ग्रो लिखेंगे. मैच द एनिमल्स विद देयर फूड. एनिमल्स को उनके फूड से मैच करें. वन, स्पैरो. स्पैरो तो ग्रेन्स खाती है. ये जो है ये ग्रेन्स है. तो हम यहां स्पैरो को ग्रेन के साथ मैच करेंगे. सेकंड, एलिफेंट. एलिफेंट क्या खाता है आपको मालूम है क्या? एलिफेंट तो सुगर केन खाते हैं. तो हम यहां पे एलिफेंट को सुगर केन के साथ मैच करेंगे. थर्ड, टाइगर. टाइगर क्या खाते हैं? टाइगर तो जंगल में रहते हैं और जंगल में रहने वाले बहुत सारे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनका फ्लैश यानी मीट खाते हैं. यहाँ पे डियर का पिक्चर है तो हम यहाँ पे टाइगर को डियर के साथ मैच करेंगे. फोर्थ, लिजर्ड. लिजर्ड तो इंसेक्ट्स यानी छोटे कीट खाते हैं. यहाँ पे बटरफ्लाई का पिक्चर है एंड बटरफ्लाई तो इंसेक्ट्स है. हम यहाँ पे लिजर्ड को इंसेक्ट्स के साथ मैच करेंगे. नेक्स्ट, फाइव, स्क्विरल. स्क्विरल तो नट्स यानि मूंगफली खाते हैं. यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये नट्स का है. तो हम यहाँ पे स्क्विरल को नट्स के साथ मैच करेंगे. Answer the following questions. 1. Why do animals need shelter? Animals ko aashray ki avashyakta kyo hoti hai? The answer is that animals need shelter to stay safe from heat, cold and rain. 2. Name one bird that eats grains. Ek bird ka naam bataiye jo grains khata hai. The answer is pigeon. 3. Name an animal that eats flesh. Ek animal ka naam bataiye jo flesh yani mans khata hai. The answer is fox. 4. What is the home of a dog called? Dog ke ghar ko kya kehte hain? The answer is, the home of a dog is called a kennel. 5. What is the home of a spider called? Spider ke ghar ko kya kehte hain? The answer is,
The home of a spider is called a web. Higher order skills. Why do birds make their nests in trees? Do you know a bird that makes its nest on the ground? Name it. पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? क्या आप किसी ऐसे पक्षी को जानते हैं जो जमीन पर अपना घोंसला बनाता है? उसका नाम बताइए. Why do birds make their nests in trees? The answer is, many species of birds build nests for the primary function of laying eggs and raising young birds. Each species has its nesting habits, but many build nests high above the ground to isolate eggs and pointless fledglings from ground level predators. पक्षियों की कई प्रजातियां अंडे देने और युवा पक्षियों को पालने के प्राथमिक कार्य के लिए घोंसले बनाती हैं. प्रत्येक प्रजाति की अपनी घोंसला बनाने की आदतें होती हैं, लेकिन अंडे और बच्चों को जमीनी स्तर के शिकारियों से अलग करने के लिए जमीन से ऊपर घोंसले बनाते हैं. Do you know a bird that makes its nest on the ground? Name it. Many birds build nests on the ground, including coastal seabirds. These birds nest in sandbanks above beaches. Other birds that nest on the ground include meadowlarks, bobolinks, sparrows, blackbirds, lark buntings, sharp-tailed grouse, northern harriers, short-eared owls, waders, and mourning doves. कई पक्षी जमीन पर घोंसले बनाते हैं, जिनमें शामिल हैं तटीय समुद्री पक्षी. ये पक्षी समुद्र तटों के ऊपर रेत के टीलों में घोंसला बनाते हैं. जमीन पर घोंसला बनाने वाले अन्य पक्षियों में शामिल हैं मीडोलार्क, बोबोलिंक, स्पैरो, ब्लैकबर्ड, लार्क बंटिंग, शार्प टेल्ड ग्रूज, नॉर्दर्न हैरियर, शॉर्ट कान वाले उल्लू, वेडर्स और शोक कबूतर. Decision making animals need our love and care. Tick for the right actions and cross for the wrong actions. Animals को हमारे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है नीचे दिए गए पिक्चर में. जो अच्छे काम है उसके लिए टिक करें और जो गलत काम है उसके लिए क्रॉस करो. फर्स्ट पिक्चर देखो. इसमें एक लड़का चिड़िया के घोंसले को पत्थर मार रहा है. ये तो गलत काम है ना. तो हम इस पिक्चर के नीचे दिए गए बॉक्स में क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट सेकंड पिक्चर, इसमें एक लड़की बर्ड्स को ग्रेन खिला रही है. ये तो बहुत सही काम है. तो हम इस पिक्चर के नीचे दिए गए बॉक्स में टिक करेंगे. नेक्स्ट थर्ड पिक्चर, इसमें एक लड़का फिश को पानी में छोड़ दे रहा है. ये भी सही काम है. तो हम इस पिक्चर के नीचे दिए गए बॉक्स में टिक करेंगे. नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर, इसमें एक लड़का बर्ड्स को वाटर यानी पानी पिला रहा है. ये तो बहुत सही काम है. तो हम इस पिक्चर के नीचे दिए गए बॉक्स में टिक करेंगे. ओके. नेक्स्ट फन टाइम, ड्रॉ और स्टिक पिक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स विद देयर होम्स.
दो अलग अलग एनिमल्स और उनके होम्स के साथ उनकी पिक्चर्स बनाए या चिपकाए। फर्स्ट जो एनिमल का बॉक्स दिया है उसमें हम लायन का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। एंड उसके साइड वाले होम के बॉक्स में हम डेन यानी लायन की गुफा का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सेकंड एनिमल के बॉक्स में हम बर्ड का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। एंड उसके साइड वाले होम के बॉक्स में हम बर्ड नेस्ट यानी बर्ड का घोंसला का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। आप कौन से भी एनिमल्स का पिक्चर एंड उसके होम का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। Thanks for watching. Thank you.